हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 और 32 करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग कि आखिर क्या दिया है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब शोन इन फिगर, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी आर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। एरिया एट ए, ठीक है, स्मॉल ए से लिख देता हूँ मैं इसको, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया एट बी, ये भी छोटे से लिख देते हैं, तो ये है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5। द हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, यानी कि डेल्टा एच, यानी कि अगर इसका हाइट और इसका हाइट सेंटर से आप लें तो h1 - h2 जो है दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस देखना पड़ता है। ये वाला जो इनके मिडिल पॉइंट ए और बी बनाए ना, इनके बीच का जो हाइट डिफरेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, यहाँ से इसी को हॉरिजॉन्टल मान लो तो यही हाइट डिफरेंस है। द स्पीड ऑफ वाटर, अब ए पे जो स्पीड ऑफ वाटर है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी एट बी जो है वो कितना है, वही तो पूछ रहे हैं। ओह माय गॉड, दे आर आस्किंग दिस, द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड बी, और साथ में इनको चाहिए प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी का मॉड, डिफरेंस वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल है, पहली चीज की वेलोसिटी एट बी चाहिए। जब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है वेलोसिटी एट बी, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। तो बढ़िया आराम से कर सकते हो ए इंटू वी ए। ये क्या होता है, फ्लो रेट। फ्लो रेट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, विद कंडीशंस जो आपने थ्योरी में पढ़ी कि टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, विस्कस नहीं होना चाहिए लिक्विड, इस टाइप की आइडियल कंडीशंस जब होती है तो। ठीक है, वो आप थ्योरी में देखते हैं। तो एरिया एट ए इज 1 एंड दिस इज 10, बहुत शानदार। एरिया एट बी इज हाफ, तो वेलोसिटी एट बी है कितना, बोलिए भाई, वेलोसिटी एट बी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बहुत ही बढ़िया। अब डिफरेंस इन प्रेशर कैसे आएगा बच्चों, बर्नौलीज इक्वेशन लगा के, रो प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी डेल्टा एच, है ना, ये प्रेशर का इसी के पास है, इसको तो जीरो मान लेंगे हम लोग। अरे समझे ना भाई, क्यों जीरो मान लेंगे, कोई दुश्मनी नहीं उससे कि उसके जीरो मान लिया हम लोगों ने उसको, इसी को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन का बेस मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो डिफाइन करना होता ना, तो इसी का जीरो डिफाइन कर दिया। तो भैया पी ए माइनस पी बी, दोस्तों पी ए माइनस पी बी इसको इधर कर दीजिए और इसको बोलिए हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस रो जी डेल्टा एच। अब रो वी कितना, 10 की पावर 3, 10 1000। वी बी स्क्वायर कितना, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 बाई 100, है ना, 20 बाई 100, 1 2 3 4 स्क्वायर भी है ना, तो ये 4 - 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 का 20 400 स्क्वायर, और ये कितना, इसी तरीके से ये कितना था भाई, 10 था क्या, इसकी स्पीड 10 है, बहुत बढ़िया, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इतने सारे जीरोस जो आप लाए हैं, ठीक है, 3 काटो, ये देखिए 400 - 100 300 बाई 10, यानी कि 15 आ रहा है, पहले पार्ट का 15 आ रहा है भाई। रो जी एच 10 की पावर 3 10, और डेल्टा एच जो कि 5 सेंटीमीटर था, 100 से डिवाइड करो, 1 0 गया, 1 यहाँ गया, 500, तो 15 - 500 यानी प्रेशर डिफरेंस -485 न्यूटन पर इंच। इनको तो मॉड चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 485 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको बर्नौलीज इक्वेशन आनी चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट्स इट। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन फटाफट, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, दिखा रहे भाई हॉरिजॉन्टल ट्यूब बोला है बच्चों, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब यानी कि हाइट का डिफरेंस नहीं है इसमें, डेल्टा एच कितना है, 0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब
समझ गए, हॉरिजॉन्टल ट्यूब। इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ वाटर कॉलम, डिफरेंस कहाँ है, ये जो वाटर कॉलम में डिफरेंस है, ये देखिए आप, ये वाटर कॉलम में डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ये डिफरेंस, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी आर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस एनी सेक्शन, अब दोनों जगह सेम ही रहेगा, ठीक है, तो कहीं पे भी निकाल लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हर जगह सेम रहता है। पहले तो देखो वाटर कॉलम का जो डिफरेंस है ना, उसके बेसिस पे ये ए और बी पे प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, पी ए माइनस पी बी इज रो जी एच, ठीक है, ये दूसरा डेल्टा एच के बारे में बात कर रहे थे, 2 सेंटीमीटर के बारे में। तो ये जो डेल्टा पी ए, पी ए माइनस पी बी, ये हो गया आपका 1000 और 10 और हाइट है 2 बाई 100, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में 200 का आया, 200, चलो भैया 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी कोई समस्या, ठीक है, ये प्रेशर का डिफरेंस है। दूसरा देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइए, तो एरिया एट क्रॉस सेक्शन ए इंटू वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू एरिया एट क्रॉस सेक्शन बी इंटू वेलोसिटी इंटू बी। एरिया एट क्रॉस सेक्शन ए इज 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू बी। तो अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू 2x ऑफ वेलोसिटी एट ए, ये भी एक बढ़िया चीज़ है। ए की वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पर फ्लो रेट पता कर लेंगे एरिया इनटू वेलोसिटी करके, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बर्नौली थ्योरम लगाने जा रहे हैं हम लोग, पी ए प्लस रो जी डेल्टा एच, भाई देखो दोनों हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो है, इसलिए दोनों ही जहाँ पर ये सेंटर पॉइंट देखें हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि दोनों में जीरो कंसीडर कर लिया हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर, सिंपल है। अब वी बी को आप देखिए 2 टाइम्स वी ए है तो 4 वी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दिया भाई। अब आप प्रेशर ए निकालना है आपको, इधर कर दो तो 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 3 बाई 2 रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए माइनस पी बी। अच्छा पी ए माइनस पी बी रो जी एच है, 3 बाई 2 रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच है, तो रो से रो कैंसिल हो गया, तो वी ए देख रहे हो आप कितना आ रहा है, वी ए आ रहा है रूट 2 GH/3, यही आ रहा है, वैल्यू कैलकुलेट करो जरा जल्दी से, तो 2 × 10 × हाइट कितना है, अरे दोस्तों हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2/100 × 3, अरे 4/√30, क्या जबरदस्त है, v इज इक्वल टू 4/√30, तो ये 2/√30 कर सकते हैं, इसको 2/√30 कर सकते हैं, इसको 2/√10 कर सकते हैं, √3 कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैलकुलेट करके बच्चों 0.365 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, हालांकि 1.733.3 समथिंग यहाँ पे रखो फिर कर लो, या फिर √30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2/30 × √30, ठीक है, 5 से ज़्यादा पर 6 सेकेंड, है ना, ठीक है, वो सब बात की बात है। अब बहुत ही आसान, अच्छा इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कर लेते हैं तो ये 36.5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या निकालना था, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, तो रेट ऑफ फ्लो क्यू चाहिए, तो ए इंटू वी ए, ये कितना था भाई, ए एट ए कितना था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 36.5, कितना हो गया 73/2, है ना, तो
73 इंटू 2 इज 146 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 और 32 यहाँ पे फिनिश होते हैं बच्चों। जल्दी है आपके क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।